आज के वीडियो में हम बात करेंगे, अगर है बृहस्पति आपकी कुंडली यानी जन्म पत्रिका के 12वें भाव में, डिटेल्ड बात होगी 12वें भाव के बृहस्पति के फलादेश की, विशेष गुणों की, मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ साझा करूंगा, बात होगी निशानियों की जिससे कंफर्म हो जाएगा कि बृहस्पति 12वें भाव में आपको कैसा फल दे रहा है, ऐसे व्यक्तियों को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और 12वें भाव के बृहस्पति को समृद्ध करने के क्या क्या उपाय हैं जिन्हें अपनाने पर अवश्य ही होगा फायदा आपका। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो यह सबसे शुभ मुहूर्त है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का, और याद से बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। हम हर दूसरे दिन आपके लिए यूनिक कंटेंट लाते हैं ताकि इससे फायदा होता रहे आपका। तो आज बात कर रहे हैं 12वें भाव में अगर कुंडली के हो बृहस्पति, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं फलादेश को। 12वें घर में बृहस्पति होने से व्यक्ति में आध्यात्मिकता आती है। इस तरह के व्यक्ति का आमतौर पर भौतिकवादी दुनिया की तरफ झुकाव नहीं होता, वह जीवन और धार्मिक मामलों की वास्तविकता का पता लगाने की कोशिश करता है। उसे ईश्वर पर और अपने अस्तित्व पर विश्वास होगा, जो उसके लिए अंधेरे में एक मशाल की तरह होता है। वह मददगार होगा और जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तैयार होगा। ऐसा व्यक्ति बिना किसी धूमधाम के साधारण जीवन जीना पसंद करता है। ऐसा व्यक्ति स्वभाव से काल्पनिक होता है। विवाहित जीवन कुछ खास संतोषजनक नहीं होता। अन्य व्यक्ति आमतौर पर ऐसे व्यक्ति की सादगी का लाभ उठा के ले जाते हैं। 12वें घर को मोक्ष का घर भी कहा जाता है। यह भी माना जाता है कि यदि बृहस्पति यहां लाभकारी हो तो व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। आइए जानते हैं क्या है वो विशेषताएं अगर हो बृहस्पति जन्म पत्रिका के 12वें भाव में। 12वां घर बृहस्पति और राहु के संयुक्त प्रभावों को प्रदान करेगा, जो कि एक दूसरे के लिए अयोग्य हैं। यदि व्यक्ति अच्छे आचरण का पालन करता है, सभी के लिए शुभकामनाएं रखता है और धार्मिक प्रथाओं का पालन करता है, तो वह कम से कम खुश हो जाएगा और रात में आरामदायक नींद का आनंद ले सकता है। वह धनवान और पूजनीय भी इस सिद्धांत से बन सकता है। शनि के बुरे कार्यों से बचना चाहिए। मशीनरी, मोटर, ट्रक और कारों के व्यवसाय ऐसे व्यक्ति के लिए लाभकारी हो सकते हैं। अब जानते हैं कि क्या कहता है मेरा अनुभव अगर हो बृहस्पति जन्म पत्रिका के 12वें भाव में। 12वें घर का बृहस्पति बुराई का जवाब भलाई में बदल कर देगा। व्यक्ति विदेश यात्रा करने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति लोगों का भला करके अलौकिक आनंद महसूस करता है। राहु शुभ तो बृहस्पति भी शुभ रहेगा। राहु अशुभ तो राहु के उपाय करते रहना चाहिए। विवाह, धर्म, दान, पुण्य के कामों में खर्चा होगा। अगर मृत्यु धर्म मंदिर में होगी तो व्यक्ति सदा सदा के लिए जन्म मरण के बंधनों से छूटकर मोक्ष प्राप्त करता है। संतान में विलंब होता है। रीति रिवाजों को तोड़ना अशुभ फल पैदा करेगा। धर्म के विपरीत विचार हो सकते हैं। पीपल कटवाना, साधु का अपमान, कब्रों पर सर झुकाना मंदे बृहस्पति की निशानियां होंगी। तो चलिए जानते हैं बृहस्पति 12वें भाव की निशानियों के बारे में। घर में गुटके, धर्म ग्रंथ जिसको कोई नहीं पढ़ता हो कोने में रखे होंगे। घर में अत्यधिक बर्तन होंगे जो इस्तेमाल नहीं होते होंगे। घर पर पुराना तख्तपोश या डाइनिंग टेबल होगा। अब बात करते हैं 12वें भाव के बृहस्पति होने पर क्या क्या रख सकते हैं सावधानियां और क्या क्या हो सकते हैं खराब बृहस्पति के दोष मुक्ति के उपाय। गले में कोई भी माला ना पहने। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं तो बरगद के पेड़ को पानी कतई ना दें। अपने सर को हमेशा ढककर रखें। साधु सन्यासियों का ध्यान रखें। कभी भी झूठी गवाही ना दें। बुजुर्गों के रीति रिवाज बंद ना करवाएं। रात को सोते समय सर की तरफ सौंफ और पानी रखें। दूसरों के साथ विश्वासघात ना करें। अपने शिक्षकों का सम्मान करें और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। जानते हैं खराब 12वें भाव के बृहस्पति को दुरुस्त करने के कुछ उपाय। पीपल के पेड़ को पानी दें। पुखराज पहन सकते हैं या पहन ही लें। किसी वृद्ध ब्राह्मण की देखभाल करें और उसे पीले वस्त्र दान करें। केसर या हल्दी का तिलक लगाएं।
पीपल की और साधु की सेवा करें। धार्मिक कार्यों में रुचि अवश्य रखें। 12 नीले मोती कच्ची जमीन में दबाएं, जरूर फायदा होगा। आप कृपया ध्यान दें, यहाँ बताए गए उपाय कुछ प्राय मात्र हैं, मतलब कि एग्जाम्पल्स हैं, और वैदिक ज्योतिष विद्या के द्वारा पता लगने वाले दुखों का निवारण करने के बेसिक सूत्र एवं सिद्धांत हैं। ईश्वरीय शक्ति सदैव व्यक्ति को बल प्रदान करती ही है, पर बहुत बार समस्या ज़्यादा ही गहरी और विचित्र होती है। तो जैसे आप शारीरिक स्वास्थ्य के बिगड़ने की दशा में एक अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाते हैं, उसी प्रकार जीवन में अगर ज़्यादा अंधकार, ज़्यादा भय और कालिमा महसूस हो, तो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलने में बिल्कुल ना सकुचाएं और सही समाधान अवश्य प्राप्त करें। बताए गए उपायों के अलावा भी कई अन्य प्रकार की स्पेशलाइज्ड रेमेडीज हैं, जो कि ग्रहों के दोषों को जड़ से खत्म करने में बहुत बढ़िया तरीके से वर्क करती हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं हर तरह की रेमेडीज के विषय में वीडियो बनाने के लिए रेडी हूं, बस आपको कमेंट बॉक्स में अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम लिख देनी है। आप और क्या नया जानना चाहते हैं उस प्रॉब्लम की दोष मुक्ति के लिए, शॉर्ट टर्म रेमेडी जानना चाहते हैं जो इमीडिएट बेसिस पर एक पेन किलर की तरह आपकी प्रॉब्लम को तुरंत खत्म करे, या फिर जड़ से ही प्रॉब्लम खत्म करने का सटीक तरीका जानना चाहते हैं, या फिर ओवरऑल एक पूरा एनालिसिस चाहते हैं रेमेडीज के बारे में, या मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। आपके कमेंट से और आपके फीडबैक से हमें पता चलता है कि किस तरह का कंटेंट आपके सामने लेकर आना है। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो में बताई हुई जानकारी आपको पसंद और समझ दोनों आ गई होंगी। जुड़े रहिए साथ में ऐसे और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए, जो कि होंगे आपकी ही जिंदगी के समरूप। चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके अवश्य बतलाएं। धन्यवाद।